दोस्तों आज हम आपको एक सुजाता कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर की अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो किस लिए नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों इसका मॉडल नंबर है डायनेमिक्स, और इसमें 900 वाट की मोटर आती है जो सबसे हैवी है, और ये कमर्शियल यूज में बहुत लोग यूज करते हैं। आप जूस वाले की दुकान पर जाएंगे या आपको कोई मसाले वाले की दुकान पर, तो आपको सुजाता कंपनी की ये वाली मशीन मिलेगी। लेकिन इसमें मॉडल नंबर तो चेंज हो जाते हैं। मॉडल में क्या होता है कि इसमें जूसर आता है और नॉर्मल भी आता है, इसमें जार चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपको जो मोटर मिलेगी वो 900 वाट की मिलेगी। तीनों में ही तीन चार मॉडल आते हैं, सब में मोटर सेम होती है 900 वाट की। और दोस्तों इसमें एक खासियत बात है, जो अगर कोई आप दूसरी मोटर लेते हैं, दूसरी कोई अदर ब्रांड की आप मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं, तो वो खाली एक मिनट या दो मिनट के बाद आपको रेस्ट देना पड़ता है। लेकिन इसमें कंपनी यहाँ पे इस पर कंपनी ने लिखा हुआ है, इसे आप 90 मिनट तक रेगुलर चला सकते हैं। दोस्तों इसमें एक हैबिट जिससे कि आपको इसको चलाने में बहुत आराम से चलती है, ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं होती इसके अंदर। और दोस्तों 2023 में इसमें क्या चेंजेस करेंगे आपको हम खोलकर दिखाते हैं। पहले इसमें नॉर्मल वो आता था इसका जार का कैप, लेकिन अब इसमें लॉक वगैरह दे दिए। चलो दोस्तों अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोलते हैं और खोल के इसके अंदर देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद सबसे पहले इसमें इसके जो कैटलॉग है वो आ जाते हैं, इसके बारे में पूरी जो इंफॉर्मेशन है बुक वगैरह में वो सारी दी हुई है। और दोस्तों ये इसकी इस पे फोटो छपा हुआ है, इसके अंदर इसके आपके पूरी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी सारी दी हुई है। इसके अंदर जो सामान है उसको कैसे यूज करना, कैसे इसके बॉल बैरिंग वगैरह चेंज करने हैं, आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है। और इसके अभी इन्होंने एक इसका पंखा भी नया लॉन्च कर दिया सुजाता ने, तो ये पंखे के भी आपको कैटलॉग दे दिया, इसके सारे मॉडल दे रखे हैं, तो ये इन्होंने अपना ऐड भी पंखे का भी इसके साथ करा है। और दोस्तों चलो इसको एक साइड रखते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसमें एक ये मिलेगा आपको नैप चाकू, और इसका प्रयोग भी आप करते हैं, ये तो जैसे आप कोई कुछ भी चीज़ मक्खन वगैरह जो इसमें करेंगे तो उससे ये इस चम्मच से थोड़ा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग हम लास्ट में बताएंगे कि क्या करना है, ये बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों इसको हम साइड में रख देते हैं। दोस्तों इसको खोलने के बाद इसमें इस तरह की ये गरारी निकलती है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा गरारी आती है। ये गरारी आपको हम बताएंगे, ये जैसे आपको कोई मक्खन वगैरह निकालना है तो उसके लिए गोल वाली जो गरारी है इसके लिए निकालना। अगर आपको कोई जैसे बर्फ़ वगैरह है उसको क्रैश करना है तो इसके लिए ये वाली गरारी यूज करनी पड़ेगी, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। और उसके अंदर तो जार के अंदर तो होंगी गरारी अपनी लगी हुई, लेकिन ये एक्स्ट्रा इसलिए होती है, ये मक्खन के लिए होती है, ये बर्फ को क्रैश करने के लिए होती है। चलो दोस्तों इसको साइड में रखते हैं, और इसको साइड में रख के, और दोस्तों इसका ये जार दिया गया है। जार में दोस्तों क्या चीज़ दी गई है, ये पहले नहीं आती थी, ये अब 2023 में आने लगी, हो सकता है 2022 में थोड़ी स्टार्ट कर दी हो कुछ मॉडलों में, 2022 से स्टार्ट करी शायद, 2022 से पहले नहीं आती दोस्तों। ये पहले ये लॉक नहीं आते थे किसी भी जार में, ये लॉक का जो सिस्टम है 2022 या 23 में स्टार्ट करा, पहले ये खाली आपको ऐसे ही रखना पड़ता था। इस लॉक से क्या फ़ायदा आपको, आप इसको बिल्कुल लॉक लगाने के बाद ये इसमें कुछ भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं होगी, ढक्कन ऊपर थोड़ा उठेगा और बड़ा सेफली रहेगा। चलो दोस्तों इसको एक तरफ रखते हैं, अब इसको ये हटा देते हैं इसका फोल, और इसके बाद दोस्तों एक ये जा रहा है इसके अंदर, दोस्तों ये जा निकालने के बाद ये हम इसे पन्नियों से निकाल लेते हैं। और दोस्तों इसके जो जार जो पहले आते थे सिंपल आते थे, आपको हाथ में लेके इस जार की वो पता लग जाएगी, इस पे अपना ब्रांड का नाम नेम भी छपा हुआ है सुजाता। और इसमें थोड़ी सी ग्रिपिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रिपिंग देख रहे हैं, ये ग्रिपिंग पहले नहीं आती थी दोस्तों। और जब आप इसमें कोई चीज़ बनाएंगे तो इस ग्रिपिंग का ये इसका कुछ फ़ायदा है, जब इन्होंने इस तरह की इतनी अच्छी ग्रिपिंग दी है। और दोस्तों ये प्योर स्टील का बना हुआ है, और ये जो चीज़ है पहले हर आप उसमें जार में देखेंगे तो ये प्लास्टिक की है, और ये जो गरारी दे रखी है पहले प्लास्टिक की होती है हर उसमें, लेकिन इसमें नायलॉन की दी गई है, बड़ी काफ़ी अच्छी होती है और ये जल्दी टूटती नहीं, इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है। और इसकी हैंडल की आप ग्रिपिंग देखेंगे बहुत अच्छी है, और हाथ में लेने के बाद थोड़ा सा वेट है लेकिन बहुत अच्छा जार है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक नहीं है, आप इसको बिल्कुल सेफली यूज कर सकते हैं, आपको हाथ में लेने के पता लग जाएगा कितना अच्छा जार है। इसकी जो गरारी है बड़ी अच्छी, इसके जो शार्प बटन है बिल्कुल, जो भी चीज़ आप इसमें चीज़ जैसे इसमें आप कुछ करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह उसको यूज कर सकते हैं उस चीज़ को आप।
इसी तरह दोस्तों इसके इनके तीन जार भी आते हैं, जैसे ये जार है दोस्तों, ये वाला जार तो उसके लिए है, ये देखो इसमें ये ग्रिपिंग जो आती थी पहले नहीं आती थी दोस्तों, ये ग्रिपिंग आप यहाँ पे लगाने के बाद और इसको लॉक कर देंगे, ये पहले आपको 2022 से पहले नहीं आती थी, अब ग्रिपिंग आने लगी है। ये देखिए दोस्तों ये ग्रिपिंग, ये इसको लॉक लग चुकी है, लॉक लगने के बाद आपको पहले हाथ रखना भी पड़ता था इसको बनाने के बाद, लेकिन अब इसमें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, आप इसको इस फिट करने के बाद आराम से कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये लॉकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और इसमें आपको साउंड ज़्यादा नहीं मिलेगी, वैसे साउंड तो हर मिक्सी में होती है लेकिन इस मिक्सी में थोड़ी सी कम साउंड है, और इसमें देखना है ये रबड़ इसलिए पहले नहीं होती थी, रबड़ आपको जैसे कोई इसमें गंदगी हो जाए तो रबड़ निकाल के आप साफ भी कर सकते हैं, साफ करने के बाद दोबारा लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, इसमें बिल्कुल जो भी अंदर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हल्का सा भी आपको इसको बाहर कुछ नहीं आएगा, स्मेल वगैरह कुछ चीज़ नहीं आएगी। इसकी ग्रिपिंग अच्छी है, इसके लॉक भी अच्छी है, और ये जो आप देख रहे हैं अनब्रेकेबल है, इसको आप ये जल्दी से टूटता नहीं, आप गेर भी देंगे तो तब भी टूट नहीं सकता, इतना मजबूत ये बनाया गया है। दोस्तों अब इसको साइड में रखते हैं, अब इसका ये वाला जार है जो है ये निकालते हैं, और दोस्तों ये जो जार है इसमें आप मसाले वगैरह कूट सकते हैं, जिसमें आप शेक वगैरह बना सकते हो, मिल्क शेक वगैरह बना सकते हो, तो उसके लिए जार है। और दोस्तों इसमें हम मसाले वगैरह आराम से कूट सकते हैं, इसकी भी ग्रिपिंग अच्छी है, और इसके ये इसका दिया हुआ है दोस्तों, इसका ढक्कन दिया गया, और इसकी जो सेम ये मेटल का है, और ये गरारी भी नायलॉन की बनी हुई है, बिल्कुल मजबूत बनी हुई है, और दोस्तों इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है, इसमें मसाले बहुत अच्छे तरह होते हैं। इसमें आप हल्दी के जो हल्दी की गांठे वो भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी की गांठे के लिए दोस्तों पहले थोड़ा सा तोड़ने के बाद तब इसमें डालें तब यूज करें, क्योंकि आपकी चीज़ें वैसे ठीक करें लेकिन वो हल्दी की गांठ तक आराम से पीस देती है। ये यूज काफ़ी करीब है इसका, हमने पहले भी यूज करी है, तो इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको सभी से आप पूछोगे, किसी मैकेनिक से पूछोगे, किसी से पूछोगे तो आपको सुजाता ही आपको रिकमेंड करेगा कि आप सुजाता ही लें। अब दोस्तों इसको आप साइड रखते हैं, इसके बाद हम दोस्तों ये है चटनी जार। दोस्तों चटनी जार का ये पहले इसमें चटनी जार का जो आता था सिंपल ढक्कन आता था, आप देखो दोस्तों इसमें भी लॉक कर दिए गए 2022 और 23 में ही किया गया, हम वैसे अनबॉक्सिंग 2023 में करें लेकिन 2022 में ही आ गया था ये लॉकिंग का सिस्टम, और दोस्तों इसमें पहले नहीं आता था, पहले सिंपल आता था। और दोस्तों इसमें ग्रिपिंग एक चटनी जार में एक अच्छी ये दी गई है, देखो ये किनारे पहले ये सिंपल खड़े होते थे, और तो दोस्तों इसलिए इसका थोड़ा सा लॉकिंग सिस्टम भी अच्छा दे दिया, और चटनी आराम से फर्स्ट क्लास चटनी बनती है इसके अंदर। इसके ब्लेड भी बड़े साफ हैं, और वो ये भी मेटल का है दोस्तों, और ये भी प्योर स्टील का है, तीनों प्योर स्टील के बने, तीनों में मेटल के, ये प्लास्टिक का कोई नहीं है, इसमें नायलॉन की एक गरारी दी गई, बाकी सब में आजकल आप देखते हैं प्लास्टिक की होती है, उसकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी होती है वो स्लिप भी कर जाती है, टूटती बहुत जल्दी है दोस्तों। दोस्तों अब इसको हम साइड में रख देते हैं, अब इसका जो मेन पार्ट है इसकी मोटर, अब हम इसको निकालते हैं। दोस्तों ये मोटर इसकी, अब इसको डिब्बे को थोड़ा साइड में कर देते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पे ये दे रखा ऑफ, इसको लो पे आप यहाँ चला सकते हैं, मीडियम पे आप यहाँ चला सकते हैं, और हाई पे यहाँ चला सकते हैं। और दोस्तों ये जो बटन आपको दिया हुआ है, जैसे आपको कोई एक मिनट का, दो सेकंड का, या आपको 30 सेकंड का या 60 सेकंड का कोई ऐसा काम करना है जो तुरंत ही आप इसको प्रेस करके रखें, ये मशीन आपकी चलती रहेगी, छोड़ देंगे बंद हो जाएगी, ये थोड़ी देर के लिए आप जितना यूज करना चाहें उसके लिए बटन होता है, जैसे 30 सेकंड या 1 सेकंड के लिए हो या 5 सेकंड के लिए हो, तो इसलिए इस बटन का भी यूज कर सकते हो आप। और दोस्तों इसमें एक खास बात क्या है, ये मेटल की गरारी है, सब में आपने प्लास्टिक की देखी होगी, ये मेटल की गरारी है, ये बिल्कुल स्लिप नहीं होती और जल्दी से आपको ख़राब नहीं मिलेगी ये मेटल की, ये आप किसी भी ब्रांड में चले जाएं सब में ये प्लास्टिक की मिलेगी लेकिन इसमें मेटल की है। और दोस्तों इसको कमर्शियल यूज में भी यूज करते हैं ज़्यादातर, लेकिन कंपनी इसको कमर्शियल यूज में करने के लिए मना करती है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल ज़्यादातर अधिकतर होता है वो भी कमर्शियल यूज में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये एक हैवी प्रोडक्ट है, हैवी इसकी मोटर लगी हुई है, और इसको 90 मिनट तक आप रेगुलर चला सकते हैं, डिब्बे के अंदर भी लिखा हुआ है
डिब्बे में उन्होंने लिख के दिया 90 मिनट तक रेगुलर चला सकते हैं। अगर आप अदर ब्रांड में जाएंगे, कोई से भी ब्रांड हो, हम किसी के वो नहीं करते, लेकिन आप एक मिनट के बाद उसको रेस्ट देना पड़ता है, या दो मिनट में भी ना हो, और लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें कोई ऑटो कट वगैरह कुछ नहीं देगा। जैसे वो आप एक मिनट से जाते या दो मिनट से जाते चलाते तो घर हीट होने के बाद ऑटो कट हो जाती थी, इसके अंदर कोई ऑटो कट का सिस्टम नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया? कि ये एक हैवी मोटर है, इसलिए इसमें ऑटो कट का कोई सिस्टम नहीं। आप अदर ब्रांड में जाएंगे तो आप किसी भी ब्रांड में देखेंगे एक नीचे ऑटो कट का एक वो दिया होता, जैसे वो कट मार देती तो आपको उसको प्रेस कर देता है, फिर मोटर चलती है। इसमें ऑटो कट नहीं दिया गया, इसका ब्रांड इसलिए कम से कम 10 से 15 देशों में इसकी ब्रांड जाता है, और इसीलिए लोग बाग इसको ही रिकमेंड करते हैं। और ये एक हैवी मोटर है दोस्तों, और इसीलिए लेनी चाहिए। इसमें कोई वैसे बुराई नहीं, यूज करो, बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास है। और दोस्तों इस चीज़ का हम आपको बता रहे थे कि बाद में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि आपको शेक के बाद आपको मलाई, जैसे आपके पास मलाई है, मलाई शेक करनी है, तो आपको ये जो ब्लेड है, आपको ब्लेड खोलने के लिए आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ये चाबी के थ्रू काम होती है, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप खोल सकते हैं ऐसे करके। ये चाबी से खोलने के बाद आप इनमें से दो कोई सा ब्लेड कर सकते हैं, जैसे कि मक्खन के लिए, उसके लिए जो क्रीम होती है, क्रीम को मेल्ट करने के लिए। और ये जो आप गरारी देख रहे हैं, ये गरारी इसके जैसे आपको बर्फ क्रैश करनी है तो उसके लिए यूज होता है। आप ये गरारी भी चेंज कर सकते हैं, आप खुद ही चेंज कर सकते हैं, ये ब्लैक वाले पे लगा के खोल के, और खोल के ये ऊपर निकल जाएगा, इसको आप बदल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये ब्रांड बहुत अच्छा है, और इसमें कोई वैसा नहीं है। और आप इसका जो ये ऊपर का जो आप ये लग रहा है, आप इसको भी इजीली खोल के साफ कर सकते हो। तो वैसे ये इजीली घुमा के इसको निकल जाता है, जहाँ से आप साफ वगैरह कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट है, और आप इसमें एक चीज़ वो देख सकते हैं, इसकी जो वायर है, वायर की लेंथ भी बहुत काफ़ी अच्छी लंबी है, वायर है लेंथ इसकी अच्छी है वायर की, और ये नहीं कि छोटी लेंथ देते, काफ़ी अच्छी लेंथ देते हैं। आप दूर से लगा के प्लग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके तीन जो जार हैं, तीनों जार अच्छे हैं, और ये जो मिक्सी ग्राइंडर है ये काफ़ी अच्छा है। और इसका जो मॉडल, इसमें तीन चार आते हैं, उसके कैटलॉग में सारे मॉडल दिए हुए हैं, आपको जैसे जो मॉडल अच्छा हो, लेकिन सबसे अच्छा मॉडल हमें ये लगा। इसमें खाली एक जूसर का नहीं होता, लेकिन आपको जो दूसरा आपको एक और अदर मॉडल मिलेगा उसमें क्या होगा, ये वाला जार चेंज कर देंगे, ये स्टील का जार चेंज करने के बाद इसमें एक प्लास्टिक का जार दे देंगे, वो थोड़ा सा इससे सस्ता हो जाता है इसका। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी प्राइस अमेजोन पे है इसकी 5,800 के समथिंग ऑनलाइन पे। अगर आप ऑफलाइन पे जाएंगे तो ऑफलाइन पे आपको कोई आपको 6,200 या 6,000, इसलिए अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 5,800 में अगर दे सकता है, क्योंकि आप ऑनलाइन का दिखाएंगे तो शायद दे सकता है। और दोस्तों हमने जो परचेज करी है 5,800 में करी है, लेकिन इसके MRP 8,000 से ऊपर है, जो इस पर लिखी हुई जो MRP इस पर दी होती है, इस पर MRP दी है दोस्तों इस पर MRP दे रखी 8,478 रुपये। दोस्तों MRP है ना, थोड़ी अप डाउन होती रहती है, थोड़ी सी पहले कम थी, ऑनलाइन पे कभी कभी स्कीम भी निकलती है, तो उसमें स्कीम में थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, भारी डिस्काउंट दे देते हैं। आप देख सकते हैं, आप किसी पे जा सकते हैं, ऑनलाइन पे भी चेक करें, ऑफलाइन पे भी चेक करें, और जहाँ पे आपको नेगोशिएट करके थोड़ा सस्ता मिले तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अब बस ब्रांड की बात करें तो दोस्तों ब्रांड बहुत अच्छा है, ब्रांड में कोई कमी नहीं है, आपको ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, और ब्रांड बहुत अच्छा है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, एक MKS रिपेयरिंग का, एक MKS फाइन सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मैं दोनों ही चैनल पे वीडियो लगातार डालता रहता हूं, आप दोनों मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी रिपेयरिंग की भी है, लेकिन अनबॉक्सिंग की तो उस पर आपको थोड़ी कमी नहीं मिले कम मिलेगी, लेकिन रिपेयरिंग की ज़्यादा वीडियो, लेकिन आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।